आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अगले साल 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जन सुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। आरजेडी तो ना 3 महीना 13 में आरजेडी को कौन पूछ रहा है, लड़ाई हम में और एनडीए में है। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जन सुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जन सुराज के लोग आएंगे वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट दे के दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है, अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। भाई आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जन सुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है, आरजेडी तो ना 3 महीना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है, लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए।